उसलमपट्टी, मदुराई जिले का सुस्त और शांत शहर। कुछ वक्त पहले मदुराई को दो हिस्सों में बांटा गया और उसलमपट्टी को अलग करके थेनी जिले में शामिल किया गया, जिससे लोग भड़क गए और आंदोलन करने लगे। उन्होंने मोर्चे निकाले, दुकानें बंद करवाई और अंत में सरकार ने उसलमपट्टी को मदुरई में शामिल कर लिया। ए, फटाफट आ। ए, अपने बाप की फोटो लगा रहा है क्या? चुप रह बुड्ढे। तो फिर कोई चोरू चक्का है, सही बताना। उसे पता चला तो तेरी हड्डी पसली एक कर देगा, चल जाए यहाँ से। वैसे तो चाचा फटे हाल थे, पर उनकी बात में दम था। दीवार पर वो फिल्म स्टार्स, चोर उचक्कों और नेताओं के पोस्टर्स देखते आए थे। यहाँ के लोग इतने भोले हैं कि वो नेताओं के झूठे वादों पर विश्वास करके उनकी जय जयकार करने लगते हैं। सब जानते हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना हीरो मानते हैं, किसी ईश्वर की तरह उनकी पूजा करते हैं और उन्हीं के बताए रास्तों पर चलते हैं। ये जिला इतना अजीब है कि कुछ लोग यहाँ बेटियों के जन्म लेते ही उन्हें मार देते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की बेटियां पढ़ लिख कर अपना और अपने परिवार का दुनिया भर में नाम रोशन करती हैं, और उन्हीं बेटियों को अगर प्यार के नाम पर किसी ने बहलाया या फुसलाया तो जानते हैं उसका क्या हश्र होता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो। मैं उस लड़की की तरफ कभी नहीं देखूंगा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। क्यों रे कमीने, तुझे लड़की छेड़ने का बहुत शौक है ना? दूसरों की माँ बहन खिलौना लगती है। हम अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और तुम जैसे कुत्ते बड़े होते ही उनके पीछे पड़ जाते हो। स्कूल हो, कॉलेज हो, बस हो या फिर ऑटो हो, हर जगह तुम सब अपनी गंदी नजरों से उन्हें घूरते हो। भोली भाली लड़कियों को अपने झांसे में फंसाते हो। तुम्हें लगता है हम देखते रहेंगे? जब तक तुम जैसे दो चार लड़कों की बलि नहीं चढ़ेगी, तब तक तुम जैसे कमीनों को कोई सबक नहीं मिलेगा। इस वीराने में अगर कोई निहत्था पकड़ा जाए तो वो चाहकर भी यहां से भाग नहीं सकता। ये वो मनहूस बियाबान है जो खानदान की झूठी शान के लिए न जाने कितने मासूमों को निगल चुका है। तो दोस्तों, सभी तैयार हो जाओ, सांड बाहर आने वाला है। समझ गई? हाँ दीदी। वीना, सुंदर कहीं दिख नहीं रहा। क्यों? कोई काम तो उसे पूरा ही नहीं करता। उसके आते ही उस पर बरसना है क्या? अरे पर उसने ऐसा किया क्या? उसको कुछ कहने से पहले ही तुम सब के सब मुझ पे ही टूट पड़ते हो। शब्दों के ऐसे बाढ़ चलाते हो जैसे कि मैं उसका बाप नहीं उसका दुश्मन हूं। घर में दो दो औरतों के होते हुए किसी को भी उसका कोई अता पता नहीं रहता। पता भी कैसे हो तुम लोग, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते। जब देखो अचार पापड़ और लाल मिर्ची के पीछे ही पड़े रहते हो।
सोचा था पढ़ाई के बाद मेरे काम में हाथ बटाएगा, पर वो तो बदमाशों की तरह अपना कॉलर ऊपर करके चाय की दुकान पे ही पड़ा रहता है। मैं यहाँ मरमर के कमा रहा हूँ, उसे तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं। क्या हुआ प्रकाश, मेरे सुंदर को क्यों कोस रहा है? माँ, आपके इसी लाड़ प्यार ने उसे पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया है। उसको सुंदर कहते कहते आपकी जुबान तो थकती नहीं, और उसका सुंदर सुन सुन के दिल भरता। अरे वो तो अभी एक नादान बच्चा है, अगर तू अभी से उसके पीछे पड़ेगा तो आगे क्या होगा? अरे तू भी तो कभी उसी की तरह छोटा था, तेरे पापा ने कभी तुझे नहीं डांटा, और तू है कि हाथ धोकर दिन रात मेरे सुंदर के पीछे ही पड़ा रहता है। यही तो उसकी उम्र है, खेलने कूदने के दिन है। मौज मस्ती नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा? वो मेरा पोता है, मुझे विश्वास है वो भी अपने दादा की तरह और तेरी तरह इस खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा, समझा? बात बात पर गुस्सा मत किया कर। अरे जवान बच्चा है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरे पास मत आना, मैं दुखड़ा नहीं सुनूंगी। बस करिए बस, आपका बस चले तो उसकी तारीफ में पूरा दिन निकल जाए, लेकिन आपका लाडला है कहाँ? जैसे ही सीन शुरू होगा तुम छुई मुई की तरह भागना। वाह क्या भागी हो, पहले मुर्गी आई है अंडा और पकोड़ा। पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ तू एक के बाद एक चैनल चेंज करके मुझे पकाया जा रहा है। तेरे इस चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई लेकिन तेरा चैनल नहीं लगा। ये धनीराम, चाय पी, पैसे दे और सीधा यहाँ से निकल ले। बकवास किया ना तो तली हुई छिपकली चाय में डाल के पिला दूंगा। आना मत दोबारा। ए, इसकी टांग खींचे बिना तेरा नाश्ता हजम नहीं होता क्या? साले एक तू फालतू और तेरे से बड़ा वो फालतू। ए तंबी चाला, देख तेरी आइटम आ रही है, ऐसे चलती है जैसे झुका हुआ गन्ना। बैग को ऐसे पकड़ा जैसे तेरी कमर पकड़ी, हाथ में ऐसे पकड़ी है किताब जैसे हाथों में हो हाथ। बस पाउडर ज्यादा लगाती तो उसके चेहरे पर कैरम खेल सकते थे। ए टोटल डार्कनेस, शटर बंद कर, गीली हो जाएगी यार। ए रुक इधर, ये बंदर की तरह शक्ल क्यों बना रही है? जब बंदर को देखूंगी तो बंदर की जैसी ही शक्ल बनाऊंगी ना। देख अब उनकी तो आदत है आने जाने वाली सारी भाभियों की सेवा करना। तुझे तो मैंने प्यार से चाय पीने के लिए बुलाया, सिगरेट पीने के लिए बुलाया, तो इसमें गलत क्या किया मैंने? तुझे तो खुश होना चाहिए। देखो बीच सड़क पर मुझे छेड़ना बंद कर दो, कह देती हूँ। अच्छा शायद तुम्हें पता नहीं यहाँ आने जाने वाली हर लड़कियों को छेड़ने का सर्टिफिकेट है मेरे पास, तुम्हें छेड़कर ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ाते हैं। और एक बात, अगर हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे तो क्या काला हलवाई चंदूलाल छेड़ेगा जिसकी मिठाइयों पर दिन भर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं? फ्रेश पेड़ा खाओगी? हाँ? बेशरम कहेगा। अरे एक बार खाओगी बार बार खाओगी। क्या रोज इस लड़की को परेशान करता है? लड़कियों को परेशान करने का ठेका लिया है मैंने। लो आ गया आइंस्टाइन की औलाद, आजकल बस की सवारी बहुत कर रहे हैं। ए मुन्ना चाय बोल। तू मुंह खोलना, पांडे बहरा नहीं है। क्यों तू नहीं बोल सकता? लड़की आई नहीं कि इसका घूरना शुरू हो गया। अबे बस कर नहीं तो कान के नीचे बजाएगी। सिर्फ कान के नीचे ही नहीं, पूरा का पूरा बैंड बजाएगी। बेशरम दिन रात चाय की टपरी पर बैठकर लड़कियों को छेड़ता है। तू नहीं जानती चाय की टपरी पर बैठकर आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ने से चाय का मजा दुगना हो जाता है। पहले तो तू छेड़ने से लाल हो जाती थी, अब तो गुस्से से लाल हो रही है। गिरगिट से ट्रेनिंग ले रही है क्या? और फिर तुम्हें तो मैं छेड़ ही सकता हूँ, मेरे रिश्ते में थोड़ी ना कुछ लगती हो। मेरी तुम्हारे चचेरे भाई से शादी हुई है, इस हिसाब से तो मैं तुम्हारी भाभी हुई। इन बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने वो कहावत जरूर सुनी होगी, शराब जितनी पुरानी होती है उसका मजा उतना ही ज्यादा आता है। अंदर गुलाटी मारना और तुम छेड़ना कभी नहीं छोड़ोगे। हाल तुम्हें चार बात सुन ली ना? अभी ये सब तो इन लड़कियों के नखरे हैं। पहले तो ये सच संवर कर लड़कों को अपनी तरफ खींचती है और नजदीक आने पर बाय बाय करती है, अंदर तो लड्डू फूट रहे होंगे। देखा सब मुझ पर मरती है। हाँ तभी तो तेरे थोबड़े को और अपनी चप्पल को बार बार देखती है। जगन को अर्चना पसंद है, अब शादी में देर नहीं होनी चाहिए। वो तो चाहते हैं कि आज ही शादी हो जाए, लेकिन क्या किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे वो लड़का पसंद भी है या नहीं? ये क्या अर्चना, तू अपने पिता से बहस करेगी? शर्म नहीं आती तुझे? अले ले ले ले, क्या है? चलता हूँ बाद में आऊंगा। आप चुप क्यों हैं पापा? ये जो भी कहेगी आप मान जाएंगे? आपको याद है मेरे ससुर से क्या वादा किया था? कम से कम आपने जो वादा किया था उसका मान तो रख लीजिए। अर्चना की शादी जगन से ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गांव वाले क्या कहेंगे सोचा है? अगर आपने फैसला नहीं बदला तो समझ लीजिए आपकी ये बेटी इस घर में कभी वापस नहीं आएगी।
देखो वापस जाने की धमकी देती रहती है, पापा को ब्लैकमेल करती रहती है। एक बात याद रखना, इन धमकियों के सामने बिल्कुल मत झुकना। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बहादुर बानो। हेलो, वो बुक मुझे दे दो। थैंक्स सर। ए, क्या देख रहे हो बे? चप्पल निकाल के मारूंगी। क्या रे अरविंद, वो तो भाव ही नहीं दे रही है। शुरुआत में हर लड़की पहले नखरे दिखाती है, तू बस देखता जा। रेवती सुनना, रेवती क्या हुआ? देखना वो यहीं देख रहा है क्या? हाँ देख रहा है, खुली आंखों से तेरे सपने देख रहा है। ये अरविंद, लग रहा है तेरे बारे में बात हो रही है। बोला था ना तुझे। तुझे पता है मेरा सपना क्या है? उसकी दोनों आंखें नोच लूं। आज फिर गायब हो गई। भैया एक लॉलीपॉप देना। ए, 20 रुपए हुआ। क्या कर रही है तू? अपने बच्चे के लिए 2 साल से रोज रोज एक ही लॉलीपॉप खरीदे जा रही है। क्या कहा? मैंने कहा भैया से बात कर, फिर दो दो लॉलीपॉप खरीदेगी। बेशरम कहीं का। भैया मुझे थोड़े बादाम और काजू भी देना। किसके लिए? भैया के लिए। खीर के लिए। कभी हमें भी बुलाकर खीर खिलाया करो। लाओ जल्दी लाओ। खीर मत मांग, तेरे पिछवाड़े तीर देगी। खीर के नाम से तू क्यों गरम हो रहा है? गरम ठंडा, थर्मोमीटर हूँ क्या? क्या सुंदर, चाय की टपरी पे नहीं बैठा, यहाँ डेरा जमा लिया क्या? उधर धूप आ रही है ना, इधर छाव में ठंडी हवा है। चाय की दुकान हो किसी का मकान हो, बस चमड़ीगिरी होनी चाहिए। जब मटक के चलती है लड़की उड़ती है धूल, उसको देना चाहिए मोगरे का फूल। बोल क्या बोलता है तू? अरे भंकस छोड़ और इस बुक वाले से पूछ, कोई चक्कर चल रहा है इसका? अरे मेरा क्या चल रहा है? तो हर सुबह 8 बजे कॉलेज जाने वाली बस में क्यों चढ़ता है? क्यों छोटू कोई लफड़ा है क्या? अरे नहीं यार, परीक्षा आ रही है ना, सुबह सुबह कॉलेज में कोई नहीं होता, अकेले क्लास में पढ़ता हूँ। क्या है ना, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। क्या रे सही है? अरे हमको चूना लगा रहा है क्या? परीक्षा कब की खत्म हो गई? रिक्शा चलाने जाता होगा। नहीं वो टीचर ने। ए अतुल तू बता, तू कभी झूठ नहीं बोलता, सुबह सुबह 8 बजे तुम लोग बस में क्या करने जाते हो? कोई चक्कर वक्कर है क्या? हाँ सुंदर भाई। अरे मुझे क्यों घूर रहा है, दोस्त से कुछ छुपाते हैं क्या? अब तू सुंदर भाई को बताता है कि मैं बताऊं? तो अच्छी बात है ना, लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहा है? मैंने सोचा तू मुझे गलत समझेगा। तो क्या अब तक सही समझता था? लड़की कहाँ की है? पास के गाँव की है। नाम क्या है? पता नहीं। लड़की का नाम पता नहीं? पता, ये तो पता है ना तू किस लड़की के पीछे है। अरे मैं क्या कर सकता हूँ, वो भाव ही नहीं दे रही है, ये तक नहीं पता कि मुझे देखती भी है या नहीं। लड़की भेंगी है क्या? भेंगी लूली से क्या फर्क पड़ता है, अपने दोस्त की मदद तो करनी पड़ेगी ना। हाँ सुंदर प्लीज मेरी मदद कर, वैसे भी उसका पीछा करते हुए 5 महीने हो गए। तू 5 महीने से उसका पीछा कर रहा है और अभी तक आई लव यू नहीं बोल पाए? ए, जो तेरा है वो हमारा भी है, कल उसी बस में हम चढ़ेंगे और इस अनजान लड़की को इसकी जान बना देंगे। ठीक है? हाँ ठीक है। प्यार से बोलना, बॉटल फोड़ेगा क्या? गार्डन में घूमा क्या? चल किधर किधर चल।
अरे ये हीरो बना रहा हूँ। तू बस निकल। अरे लफड़ा हो जाएगा यार। आजा आजा आजा। चल चल। मैं उठ गया। अपना दोस्त डर रहा है, थोड़ा तू संभाल लेना, ठीक है? अरे ये तो सुंदर है, ये यहाँ इस बस में क्या कर रहा है? अरे कब से बुला रहा है वो, सुनो उसकी। क्या हुआ? क्या अबे अंधे, देख बस में कौन चढ़ा है। अरे बाप रे। ए, म्यूजिक क्यों बंद किया? आप क्या भजन लगा रहे? अबे चिरकुट उधर देख, तेरा बाप खड़ा है। और गाना सुनेगा? ए, इसमें सुंदर भी है, सबको ठीक से खड़े रहने बोल। चेहरे से घमंड का पसीना टपक रहा है, देखा? यार सुंदर ऐसा मत कह, मुन्ना बोलना। मैं तो बोलता हूँ लौंडा प्यार में पागल है, लड़की नहीं मिली तो देवदास बन जाएगा, चल कुछ करते हैं। हाँ अगर ऐसी बात है तो फिर कुछ करना पड़ेगा। किधर गए रे वो? पता नहीं यार, अभी आज क्या पहली बार बस से नीचे उतरा? रोज बस से उतरने के बाद गायब हो जाती है। नहीं तो क्या तेरे लिए हार लेकर खड़ी रहेगी? क्या सोच क्या रहा है, इस तरह कुछ नहीं होने वाला, कंडक्टर भी हमसे पक जाएगा। घनचक्कर, 5 महीने से उसका पीछा कर रहा है और इतना भी नहीं पता कि वो कहाँ पड़ती है। क्या करूं यार, पलक झपकते ही गायब हो जाती है। तो पलक झपकाता ही क्यों है? क्या वो मिस इंडिया जो गायब हो जाती है? हाँ, तेरी जगह मैं होता ना तो अब तक राशन कार्ड का भी पता लगा लेता। लड़की भले हाथ ना लगे, लेकिन राशन कार्ड हाथ लग जाए ना तो मुझे बता देना, मुझे 2 डिब्बा घासलेट लेना है। ए, चाय दे रहे, प्रेशर नहीं बन रहा है। अरे ये चाय है, कोई जमाल घोटा नहीं है जो प्रेशर आएगा। हमने देख, हमको ढूंढ रही है। हाँ ढूंढ रही है। ए, बस निकलने वाली है। अतुल, छुप।
बस पे चढ़ गया? हाँ चढ़ गया, चढ़ गया। तू भी चढ़ गया। तू कहाँ जा रहा है? मुझे लगा तू मुझसे कह रहा है। तूने वो कहावत सुनी है ना, किसी को दिल से चाहो तो पूरी की पूरी कायनात पुंगी बजाती है। बस फास्ट हो रही है। स्लो बोलते रुक जाएगी तेरी। ये निकम्मे जरूर लड़कियों के लिए भाग रहे होंगे। स्टॉप, स्टॉप। मुझे लगा था ये मुझे हीरो बनाएगा, ये तो यहाँ खुद हीरो बन रहा है। ए, तो पीटी उषा की तरह क्यों भाग रहा था? मैंने कहा था ना साथ में भागने के लिए। बस के साथ टेम्पो बिठाने का क्या? ए, टेम्पो का मतलब समझा क्या? बराबर मीटर में भागने का, मीटर में। ये जिंदगी भर ऑटो का ही मीटर डाउन करेगा। सुन यार, हीरो आसमान से नहीं टपकता, हीरो तो बनना पड़ता है। जब इसके जैसा हैंडसम कुछ करता है ना तब हीरो बनता है, और मेरे जैसा काला कलूटा जब कुछ करता है ना तो सर्कस का जोकर बन जाता है। केजरीवाल ने कहा है कि लड़की खुद पटाओ तो प्यार, दोस्त पटाके दे तो उधार, घरवाले लाए तो हाहाकार, समझा क्या? अच्छा हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस बोलता है। ए, उधर से मत जा मेरे साथ। क्यों, क्या हुआ? बताती हूँ बात। अरे यार तू तो ग्रेट है। हाँ तो क्या, हमने बहुत छिपकली पकड़ी। ए, हिरन बोल हिरन, चेर छिपकली का शिकार नहीं करते। हाय मधु। अब क्या हुआ? देख रही थी वो पीछे तो नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। अच्छा तो इस कॉलेज में पढ़ती है? हाँ यार, ये तो अब तक हम लोगों को उल्लू बना रही थी। एक दूंगा ना दांत गिर जाएंगे, हमको नहीं तेरे को उल्लू बनाया। हमने ऑपरेशन चमड़ी गिरी 48 घंटे में पूरा किया है। हाँ तो उधर देख। अरे सुंदर, तुम लोग यहाँ कैसे? अरे तू यहाँ कैसे? मेरी दुकान है। कब खोली बे? साले तेरी दुकान है। तेरे सामने वाली खिड़की में। ए, ये दुकान कब खोली तूने? चल इधर आ बता। मुझे दुकान खोले हुए 2 साल हो गए। लाइफ सेट है तेरी, कितनी मस्त जगह दुकान खोली है मुकेम्बो ने। रात भर इधर ही सोके ठरकी गिरी करेंगे। हाँ, हाँ। तू पागल है क्या? ये क्या बोल रहा है यार? हाँ, ए। हमें भी खुश करता रहता है, हम साथ में कॉलेज में थे। सुंदर राजा, मैं, ये मुकेम्बो, टिम्बकटू का जगन, झुमरी तलैया का प्रकाश, हम 5 लोगों की एक मजबूत टीम थी। कॉलेज वाले हमको 5 पांडव बुलाते थे, और ये हमारा मुकेम्बो, इसका मुंह भले जले हुए गोटे जैसा है लेकिन दिल से हमेशा खुश रहता है। अच्छा? मैं कब खुश रहता हूँ? तुम लोग के होते हुए मैं कभी खुश रह सकता हूँ? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोग यहाँ कैसे टपके? इसे मिल, मेरा दोस्त अरविंद नाम है। हेलो। इसे एक लड़की से प्यार हो गया है जो इसी कॉलेज के 3rd फ्लोर पे पढ़ती है। सत्या, और मैं तो इस ढीले को क्यों बताया यार? मतलब तू अब तक नहीं सुधरा। कॉलेज में तो तूने मुझे पढ़ने दिया नहीं, कम से कम दुकान तो चलाने दे। देखा, बोला था ना, एक नंबर का कॉमेडियन है, हमारी वजह से ये लकड़ी की दुकान चला रहा है, वरना माइक्रोसॉफ्ट की हेड ऑफिस में झाड़ू लगा रहा होता। क्यों मुकेम्बो, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है कि नहीं? भाई चाय दूं क्या? अब तो इतनी जिद कर रहा है तो कटिंग पिला दे। ए, मैं सिर्फ दुकान चलाता हूँ, अकाउंट्स मेरा बाप देखता है। डर मत रे, चाय के पैसे दे देंगे। सिर्फ 3 चाय दे, वैसे भी हम लोग जा रहे हैं। किधर? कॉलेज में लेक्चर के। जा तो चाय लेके आजा। ए, हम यहाँ बाराती बनकर आए हैं और तू मंडप छोड़कर भाग रहा है? क्रिकेट में सचिन खेलने आएगा और रन नहीं बनाएगा, ऐसा होता है क्या? यही जगह है क्या? हाँ यही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। यहीं कहीं होंगे। कहाँ है वो? देखो वो नीली कमीज वाला। ए, 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 तू यहाँ कैसे? कैसा है बच्ची? बहुत दिनों के बाद। हाँ अच्छा, कैसा है? बस मैं तो ठीक हूँ। क्या यार, क्या प्रकाश भाई, क्या ली? तू तो गायब भी हो गया, अमीर बन गया है।
अरे काय का अमीर, अमीर तो तू है, अपने लिए तो रोज कुआं खोदो और पानी निकालो। हे अरविंद, तुझे पांच पांडव के बारे में बताया था ना, ये पांच में से चौथा पांडव है प्रकाश। और ये अपना दोस्त अरविंद। अरविंद आजा आजा, तुझे फोन पर बताया था ना 2+3, ये वही है। दो साल दसवीं में, तीन साल बारहवीं में। ये सुंदर आजा, इनके साथ रहा तो जिंदगी में पास हो सकता। तो दोस्त है या दुश्मन है? इससे मिल, ये मेरा दोस्त नट्टू है, पास में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना उसमें पढ़ता है। ये कॉलेज की एक लड़की से प्यार करता है, काफी दिनों से उसका पीछा कर रहा है, लेकिन अभी एक दूसरा लड़का उस लड़की के चक्कर में पड़ गया है, तो सोचा मिलके मांडवली कर लेते हैं। जब अपना दोस्त लड़की से प्यार करता है तो ये बीच में आने वाला कौन है? और कौन, वो जो तेरा दोस्त खड़ा है। तेरा ये पेट है कि गुब्बारा? तो किसकी बात कर रहा है? वही जो इस कॉलेज के थर्ड फ्लोर पे पढ़ती है। हाँ उसी की। उसके साथ एक सहेली भी रहती है, बटाटे जैसे आंखों वाली, जो आपस में दिन भर चपर चपर करते रहती है, उसी की बात कर रहा है क्या? हाँ उसी की। भाई अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। शादी हो गई तो वो मर जाएगी। अबे बस में तो मैं रोज जाता हूँ पर तू कभी नहीं दिखा मुझे। कैसे देखोगे, मैं तो आखिरी सीट पे बैठता हूँ ना। ए अरविंद इधर आ, तू रोज बस में जाता है, इसको कभी देखा क्या? नहीं। ये क्या देखेगा, इसकी नजर तो लड़की पे रहती है। क्या झमेला यार, जिसके पीछे ये पड़ा है उसके पीछे तू भी पड़ा है, लेकिन तुम दोनों में से किसी को हिम्मत नहीं है आई लव यू बोलने की। कोपचे में जाके बैठने से लड़की नहीं कंडक्टर पटता है। भाई ये बता करना क्या है? अब करना क्या है, तुम सब मेरे लंगोटिया यार हो। हाँ मैटर सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ तो पता, कब से जानता है तू उस लड़की को? 7 महीने से। जोर से बोल, 7 महीने से। हाँ और तू? 5 महीने से। और ये सवाल तू 5वीं बार पूछ रहा है। 4 बियर पीने तक ये यही पूछता रहेगा। ए भाई बियर को बीच में मत ला, केस थोड़ा लोचे वाला है, फैसला एकदम सही होना चाहिए। ए अरे पी नहीं रहा हूँ, चकना खा रहा हूँ। हाँ वैसे अगर ये मेरा गांव होता ना तो अब तक तू ठिकाने लग गया होता। अच्छा तो तू 5 महीने से और तू 7 महीने से। अब तो? अगर महीने की बात करें तो ये तेरे से 2 महीने सीनियर है। 2 महीने बोले तो देख लिया ना, पी के अकाउंटेंट बन गया। सुन मत सुन। देख मुन्ना, ये उस लड़की को अरविंद के पहले से जानता है, ठीक है? आज क्या तारीख है? 20 में 1 कम। तुझे 1 महीने का टाइम देता हूँ, अगर वो तुझसे पट गई तो तेरी। अरे अरे रुक ना, बात तो पूरी कर लेने दे। अब चाहे तू उस लड़की को पटाए भगाए या सैंडल खाए तेरी प्रॉब्लम है। अब अगले 1 महीने तक तुझे उस बस में हम तीनों में से कोई नहीं देखेगा। अगर नहीं पड़ी तो हम फिर आएंगे, लेकिन उस वक्त तू हमें बस में बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। भाई 1 महीना तो बहुत ज्यादा है, 1 ही हफ्ते में उसे ऐसा सेट करूंगा कि मेरे नाम के भजन गाती फिरेगी। अगर ऐसा सच में हुआ ना तो तेरी शादी में मैं लुंगी डांस करूंगा। क्यों बे प्रकाश, मंजूर है ना? हाँ ठीक है, तेरे साइड से ओके है कि नहीं? एकदम ओके। अरविंद मुंह खोल। अबे हाँ ओके। अरे रूल सबके लिए रूल होता है। हाँ ओके। क्या बकवास कर रहे हो? सुंदर की बोली तोप की गोली, कोई नहीं टाल सकता। सोचा था काले कलूटे कॉमेडियन होते हैं, लेकिन ये कालिया तो हीरो निकला यार। अगर ऐसा ही रहा तो ये 100% लड़की उड़ा लेगा। हैं? अरविंद तू बाबा वाला मफलर पहन के बैठा रहे, तू क्या हाथ घुमा तेरा तो वो न? क्या तुझे जो भी हो रहा है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हैं? पंकज उदास की तरह मुंह क्यों लटका है? चमड़ी गिरी भी लटक गई है क्या? मुझे लगता है पक्का तू कोई नई गेम खेलने वाला है। आज वो लोग बस में क्यों नहीं चढ़े? मुझे क्या पता वो क्यों नहीं चढ़े। ए, तुझसे कुछ भी पूछो उल्टा जवाब देती है। पूछ रही हूँ क्योंकि जब वो रहते हैं तो लोग गड़बड़ नहीं करते। जैसे वो कोई मिलिट्री ऑफिसर हो। ए रेवती, लंगूर को देख। पहले तो इस लंगूर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामने आके शक्ल दिखा सके, पर आज पोज मार रहा है। और आज वो लोग भी बस में नहीं चढ़े, दाल में जरूर कुछ काला है। वो लोग नहीं आए इसलिए इनके पर निकल आए हैं। तो रुक, ए मीना सुन। क्या हुआ दीदी?
उससे क्या पूछ रही है? जानकी का लवर इसी बस में है, उसे सब पता होगा। हाँ, वो कैसे जानता है? वो ऑल इंडिया रेडियो जो है। एक्चुअली बात ये है कि समझ गई, हंस क्यों रही है? कुछ नहीं, जानती है वो तुझे एक महीने के लिए इसके हवाले कर गया है, इस लंगूर के। और ये घटिया आइडिया है किसका? और किसका होगा, उसी सुंदर का। तो पूरी बात बता। वो लंबू और ये लंगूर दोनों तुझ पर फुलटू लट्टू है। सुंदर को पता चल गया कि ये काला कलूटा उस लंबू का सीनियर है, इसीलिए उसने पहले इसको ट्राई मारने के लिए दिया। अगर तेरी सेटिंग इसके साथ नहीं हुई तो लंबू अपनी किस्मत आजमाएगा। चल उंगली चूस कर, जल्दी करना होगा। जरा देख इसको, अगर तेरे चक्कर में उसका चक्कर चल गया तो मेरा घर तो उजड़ जाएगा यार। अबे बस आई कब था, तू अब तक कुछ नहीं कर पाया था। तेरा दर्द समझता हूँ यार। सुंदर ने एक अच्छा वाला हल निकाला ताकि तुम दोनों में से किसी एक को फल मिले। वो काला मोटा क्या उखाड़ेगा। और हाँ सुन, वैसे भी उस मोटे का टाइम खत्म हो गया, पहले उस मोटे सांड का रिजल्ट तो आने दे। देख ये सिगरेट पी रहा है, सिगरेट इसको पिएगी। इसको बोलते हैं दोस्ती यारी। हाँ तीन कटिंग पिला, दूध खत्म हो गया। हाँ तो काली चाय पिला ना, उससे पेट साफ होता है। वो गेंडा दिखा क्या? हाँ मैं भी उसी मोटे गेंडे को ढूंढ रहा हूँ। वो नट्टू ही है ना? ये छुपा छुपी क्यों खेल रहा है? हेलो, ए ए अनिल कपूर, जॉनी लीवर को बोला। ये चमन, तेरे को भाई बुला रहे हैं। पहले से इतना काला है, इसका तो मुंह काला भी नहीं कर सकते। इधर कैसे हो भाई, बहुत भीड़ है। आना देखा देना बहन जी। यारे तूने तो बोला था कि एक महीने के अंदर वो तेरे नाम की भजन गाती फिरेगी, तो अब क्या हुआ, स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है? छोड़ो ना भाई, जो हो गया सो हो गया, मैं इसके बाद ट्राई कर लूंगा। क्या बोला तू? इससे नहीं पटी तो दूंगा एक उल्टे हाथ का। हम दोनों ने क्या मैरिज ब्यूरो खोल के रखा है? भाई हो सकता है इससे भी ना पटे, उस कंडीशन में दूसरा चांस तो मेरा ही बनता है ना। तो मैं हाँ समझू? वो लोग तेरे लिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट स्कीम बना रहे हैं। चल नीचे उतर। क्या हुआ? तूने कहा था ना एक महीने में सेटिंग नहीं हुई तो पतली गली पकड़ लेगा, चल जा पकड़ ले। चुपचाप निकल ले, सीधे अपने घर ही जाना भाई। अगले स्टॉप तक पीछे लटक के आ जाऊं? हाँ चल चल निकल, हमें एक महीने बस से दूर रखने की तेरी यही सजा है। मन किया केक खा। मजा आ गया।
सब क्या हो रहा है यार? वो हमेशा इधर उधर देखती रहती है, लेकिन आज तो तुझे घूर रही थी। और मैंने ये भी देखा, तू तो उसको देखता ही नहीं है। बता बता, फ्लैशबैक बता। छोड़ना यार, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है? मतलब तेरा और उसका कुछ पुराना लोचा है? हर सवाल का जवाब देना जरूरी है। जो भी अभी बता यार, 1942 आ लव स्टोरी। ये आजादी के 50 साल के बाद की कहानी है। गर्दन टेढ़ी हो गई क्या? सामने देखना। तब वो कॉलेज में नहीं, स्कूल में थी। उसे मैं हर रोज गली में छेड़ा करता था, पर ना ही उसका नाम जानता था, ना ही उसके स्कूल का आधा पता। मैं जब भी उसकी हंसी देखता था, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती। क्या बढ़ती थी? मेरे दिल की धड़कन, पहला प्यार। क्या चाहिए तुम्हें? मेरा नाम सुंदर है, पड़ोस में ही रहता हूँ, यहीं कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर कर रहा हूँ। लड़की देखते ही दिल में घंटी बजती है। एक बात बता दूं, मैं सिर्फ फ्लर्ट करता हूँ, प्यार के चक्कर में नहीं पड़ता। तो ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो? अरे तुम्ही को तो देखकर मेरी घंटी बजी है। जब से तुम्हें देखा है ना, मेरा हार्ट, किडनी, लेवर तीनों ने काम करना बंद कर दिया है। तो मैं क्या करूँ? करना क्या है, बस प्यार का इंजेक्शन लगा और मेरे किडनी, हार्ट, लीवर को गियर में डाल के दौड़ा। Have a nice ride. देखो। No. इतने जल्दी जवाब नहीं चाहिए, आराम से सोच लो, उसके बाद जवाब देना। कल इसी टाइम पर मिलेंगे, इसी जगह। ओके, तो चलता हूँ। हेलो, एक मिनट। मुझे सोचने वोचने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं चाहिए, मैं भी प्यार शायर में विश्वास नहीं करती। सेम टू सेम फीलिंग। तो प्यार की पुंगी कहीं और बजाओ। अरे पुंगी तो बज गई है, टेंशन मत लो, घर जाओ और कल आके जवाब देना। मेरा जवाब यही है, अगर दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश की ना, तो चिल्ला चिल्ला के भीड़ जमा कर लूंगी। दोबारा ये ड्रामा बिल्कुल मत करना। नमस्ते। मैं तो हमेशा साये की तरह साथ था, फिर ये सब कब हुआ है? फाइनल ईयर में जब तू अपनी मौसी की शादी के लिए बाहर गया था ना, तब हुआ। मौसी की शादी में गया था तब हुआ? अगर मामा की शादी में जाता तब तो तू खुद ही शादी कर लेता ना। स्कूल के दिनों में वो तुझे लट्टू की तरह अपने आसपास घुमा रही थी, और अब कॉलेज के दिनों में ये सब क्या हो रहा है यार? उन सब बातों को भूल गया मैं, अब अरविंद और वो जाने, अपने को लफड़े में नहीं पड़ना है। बस में चढ़ाओ, सेटिंग कराओ और भूल जाओ। लेकिन फ्लैशबैक के भूत का क्या करूं? उसे कवर में डाल के दफना दे, अपना काम लड़कियों को पटाने का है, उनके पीछे पीछे भागने का नहीं है। हैं? बात को यहाँ वहां मत घुमा, उस बस वाली को बाद में तो मिला क्यों नहीं? उसने पहली मुलाकात में मना कर दिया तो आगे क्या बोलता? तू भी ना एक ही टॉपिक के पीछे पड़ जाता है। मेरी बात सुन, पहली दोस्ती को शायद इंसान भुला सकता है, लेकिन पहले प्यार को कभी भुला नहीं सकता। इसकी वजह जानता है? क्योंकि वो पहला प्यार होता है, फर्स्ट लव, बेस्ट लव। मुंह बंद, ले बंद। क्या यार, आजकल कुछ बोलना ही गुनाह है। कौन थी रे वो? वो सेकंड सीट वाली, वो जो सामने बैठी है। क्या रहा आइटम, उनको ऐश्वर्य समझती है? देखना, दिन दहाड़े लड़कियां छेड़ रहे हैं। छोड़ना, तू उनकी तरफ ध्यान मत दे, ये तो रोज का है। रहने देना यार। क्या रे, जल्दी क्या? ये कौन है रे? इंजीनियर है,
इन्हीं के कॉलेज में पढ़ता था। क्या रे? ए, अंदर जा। क्या रे, सुना नहीं क्या? हिंदी नहीं समझता? दिखाऊं क्या तुझे? चल अंदर जा। अबे कम सुनता है क्या? ए सुंदर, ऊपर आ। साले बाहर मत आना। ऊपर क्यों खींचा? और क्या करता? सबको ठीक करने का ठेका लिया है क्या? बेड़े, हट जा, हट जा। एम्बुलेंस को फोन करते ना, अगर पुलिस केस बन गया तो बेकार में हम फंस जाएंगे। दूंगा एक, ये जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और तुझे पुलिस केस की पड़ी है। ए उठाओ रे, चलो 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 चलो। हाँ, तुझे क्या हो गया? क्यों हंस रही है? वहां चांद पर कुछ लिखा हुआ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, तू इतनी अजीब क्यों हो गई है? तूने देखा सुंदर उस आदमी से कितना नाराज था, लेकिन एक्सीडेंट हुआ तो सुंदर ने ही उसकी मदद की। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्योंकि मैं सोच रही हूँ। क्या? कि आज के बाद मैं तेरे साथ कॉलेज जाऊँ या नहीं जाऊँ। क्यों? हाँ, तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? चुप कर पागल, तू जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं होने वाला। अब सोचा चल। कुछ नहीं होगा। बुढ़ा खाए जवान हो जाए, जवान खाए पहलवान हो जाए। अरे चलना यार, परसों का अखबार पढ़ रहा है। हे हे भाई आ गए। हीरो हो गया। हे 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 भाई आ गए, भाई आ गए। चल जा। इनको छोड़ अंदर चलना। पहले तो खाली फोकट का हीरो था, अब तो नेता भी बन गया। ये सब किस लिए? कल आपने जो किया वो सच में तारीफ के काबिल है, आप तो ग्रेट हो सर। ऐसी कोई बात नहीं होता है भाई, एक्सीडेंट से कुछ ही देर पहले उन्होंने आपको इतनी उल्टी सीधी बातें बोली, उसके बाद भी आपने उनकी मदद की, ये बहुत बड़ी बात है भाई। दुश्मनों को कभी भी नफरत से नहीं प्यार से जीता जाता है, क्योंकि है तो वो इंसान ही ना, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये तुम पहन लो। यार आजकल तू बहुत ही प्रवचन देता रहता है, वैसे तो हमारे साथ ही पढ़ाई की है, फिर ये प्रवचन सीखा कहाँ से है? जा, जाके बोल दे। अरे जा ना, आज नहीं बोल पाएगा तो फिर कभी नहीं बोल पाएगा। जा दिखा दे अपनी मर्दानगी। जा। आज रहने दे यार, कल बोल दूंगा। क्यों? क्या है ना, आज मेरी 7:30 चल रही है इसलिए। इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शनिवार को छुट्टी है। ए, यही उसकी दुकान है? हाँ यही है। फिर वो गटर का ढक्कन खुल गया और मैं गिर गया। ए, मुन्ना, आजा भाई बैठ। कैसा है तू? चल अच्छा। अच्छा किया जगन को लेकर आया। ए प्रकाश, ये लोग आए तूने बताया क्यों नहीं? सरप्राइज भी कोई चीज होती है यार। हे यार जगन, कैसा है तू? एकदम सेक्सी। तो क्या चल रहा है आजकल? क्या चलेगा यार, एक दिन गलती से दुकान पर चला गया,
अब फुल टाइम वही संभालते रहता हूं। तो तूने क्या सोचा था इंफोसिस का बॉस बनेगा? ए, ये अरविंद है, हम दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं। हमारे पांडव की गैंग का पांचवा पांडव जगन। ये तुम्हारी काफी बातें करते हैं। इसने अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया ना तो अपने आप की तो क्या बाप की भी नहीं सुनता है ना। क्या बात है, बाकी शैतान आ गए? ला ला चाय पिला। चाय के पैसे देना। पिला मुझे। ए ढीला, तुझे कोई गुड न्यूज देनी है क्या? काहे की गुड न्यूज, मेरा होने वाला ससुर कुछ भी होने से पहले कुछ होने ही नहीं दे रहा। तू कहाँ जा रहा है? अरे बैठना, बातें करते हैं। तेरे साथ रह के क्या करूंगा, टाइम वेस्ट होता है। नाराज मत हो, महाराज के पास भेजूं क्या? मजाक कर रहा हूँ यार। तुम लोग मेरी मजे लो, और कोई काम धंधा तो है नहीं। पॉकेट की चाय पीते हो और यहाँ बैठ के चमड़ी गिरी करते हो। अपनी दुकान मेरे नाम पे करके जा। तेरी शर्ट तो जबरदस्त है, कहाँ से ली? अरे इस मांगीलाल से क्या पूछ रहे हो, इसने खुद कभी शर्ट खरीदी है क्या? ये वाली शर्ट तो मैंने इसे दी है, ये दूसरों के कपड़े में ही हमेशा अच्छा लगता है। क्यों प्रकाश, सही कहा ना मैंने? ए, तेरी ये मांगने की आदत गई नहीं है। अरे शर्ट तक ठीक है, कल इसकी शादी हो गई तो तेरी बीवी को सेकंड हैंड बना के घूमेगा। अरविंद के लिए बस वाली लड़की का पीछा करते करते लगता है जैसे हम चोर पुलिस का गेम खेल रहे हैं। हम पुलिस है जिसको चोर कभी मिलता ही नहीं है। जब भी मुंह का शटर खुलता है बकवास ही करता है। ए, अगर आज साढ़े साथी की बात किया ना तो मैं खुद शनिदेव बन जाऊंगा। रहम करना भाई। चमड़ी दोस्त। ए, झोले बस आ गई। चले उधर उधर उधर। लड़की ने धक्का दिया मतलब मैं शादी के लायक हो गया। ए भाई, लौंडे को प्रवचन दे, जोश आना चाहिए इसमें। ये बात आजादी से। रहने दे यार, तू बोलेगा कुछ और ये समझेगा कुछ और। बोल दे, गो जा बे। ए अर्चना, क्या हुआ? देख वो आ रहा है, थोड़ा साइड देना। अयो, वो यहीं आ रहा है, कुछ बोलेगा तो नहीं ना? घबरा मत, मैं हूं ना। ए, तू इतना क्यों घबरा रही है? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम क्या करेंगे? हेलो, क्या हुआ, क्यों बुला रहा है, क्या चाहिए तुझे, घूर क्यों रहा है मुझे कब से? धीरे 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 बोलो। मैं क्यों धीरे बोलूं? तेरा कुछ खाया है क्या कमीने? मुझसे पंगा मत लेना समझा? तू जानता नहीं मैं हूँ कौन? तुझ जैसे सड़क छाप रोमियो को मैंने बहुत देखा है। तेरे जैसे रोज आते हैं बस में और रोज वापस चले जाते हैं। अभी तो मैं शराफत से पेश आ रही हूँ, जिस दिन अपनी शराफत छोड़ दी ना उस दिन भीगी बिल्ली बनकर वापस लौटेगा। रोज रोज बस में आ जाते हो, मुंह उठा के नहाते धोते नहीं हो, ऐसे चले आते हो। सर फटा जा रहा है, इस लड़की का दर्द चप्पल से ऐसे मेरे सिर में जोर से शिफ्ट हो गया। नानी तो क्या, तुझे तेरी परनानी भी याद आ जाएगी। सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, ये तो मैंने खंभा पकड़ा हुआ है। वरना उठा के मेरी तरफ घूर करके देख क्या रहा है? आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी, गोटियां। हां दफा हो जा मेरी नजरों से। अरे बस करो, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं तो तुम्हें बस बुक पकड़ने के लिए बोल रहा था और तुम बेकार में भड़क गई। क्यों, तेरे हाथ में मेहंदी लगी है क्या? अपने बाप का नौकर समझा है? अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं खुद पकड़ लूंगा। क्या जरूरत थी उसे बुक देने की? मैंने उस बुक में प्यार के डायलॉग लिख के दिए थे। हड्डी की तरह मुंह में लेके खड़ा। हड्डी तो कुत्ते के मुंह में ही होगी। तू ही बता अब मैं क्या करूं, जब भी पास जाता हूं मुझे घूरने लगती है। तो क्या तेरे लिए आचार बनाएगी? तो आई लव यू बोलने गया था ना, लेकिन ऐसे खड़ा था जैसे उसकी चेन चोरी करने गया हो। ये सुन, इसकी दाल जिंदगी में कभी नहीं गलेगी। हाँ। सुंदर, तूने इतनी हेल्प की है ना, एक छोटी सी हेल्प और कर देना, मेरे दिल की बात उससे कह दे। लग गए। मैं उससे क्या बोलूंगा? मैं उससे नहीं बोल पाऊंगा, तू जाकर बोल देना। क्यों, तू मेरा दोस्त नहीं है क्या, इतना नहीं कर सकता? ओ हीरो, तू जाके बोलना। अरे मुझे बोलने देना। बोल ही तो नहीं रहा है, पिछले 6 महीने से बस में चढ़ता उतरता रहता है। ए, इसका कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। सुंदर, मेरे दिल की बात उस लड़की को बोल देना। जब अरविंद बात करने गया तो मुझे एक गोली खानी पड़ी थी, अगर सुंदर बात करने जाएगा तो पूरी दुकान।
सुंदर आ रहा है। इसकी बात कर रही है तू? पिछली बार कैसे भगाया था याद है ना? आज मैं इसकी अच्छी क्लास लेती हूँ, तू चल। ए, तू अपनी सहेली की भलाई चाहती है ना? हाँ। तो खड़ी क्यों है? कबाब में हड्डी बनना चाहती है? चल निकल यहाँ से। अरे फेविकोल को छोड़, तुझे क्या लगता है नहीं टूटेगा? चल जा यहाँ से, तेरे अटूट बंधन को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं छोड़ाऊंगा। जा जाना, भाग। ए, तूने गुस्से में रहने का ठेका ले रखा है। वो लड़का रोज तेरे आगे पीछे घूमता और तू है कि उसको घास तक नहीं डालती है। जानती है वो कितना प्यार करता है? तुझे ऐसा कवारा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। वो दोनों शांति से बात कर रहे हैं और ये काली बिल्ली इसको तो मेरी बात समझेगी नहीं? समझ गई। हाँ तो पसंद है तो हाँ बोल दे, चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रही है? इंसान में खुद बात करने की हिम्मत होनी चाहिए, बस में आगे खड़े रहने से कुछ नहीं होता। जिस आदमी में आगे बढ़ के बात करने की हिम्मत नहीं है वो क्या खाक जिंदगी भर साथ निभाएगा? वो प्यार में अभी नया नया है, ट्रेनिंग दे दूंगा। तू बोल पसंद है या नहीं? पसंद करती हूँ। फिर से पूछता हूँ, पसंद करती है ना? तो इतना टाइम क्यों लगाया? बेचारे के 6 महीने बच जाते ना। मैंने उसको हाँ नहीं कहा, तुमको कहा है। क्या बोली? मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। जो तुम जाओ जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। क्यों? तुम मजाक कर रही हो ना? पहले तो तुमने भीड़ जमा करने की बात कही थी। और नहीं तो क्या, पीछे ही पड़ गए थे? इस तरह सिर पे बैठ के जवाब मांगोगे तो और क्या जवाब दूंगी? अगले दिन पूछना चाहिए था। मैंने भी तो सोच के जवाब देने के लिए कहा था। उस वक्त मैं डर गई थी, डिसीजन लेना नहीं आता था। अच्छा, और अब? अब क्या, नहीं डरती तुमसे? किसी और के लिए आया था, तुमने मुझे ही झमेले में डाल दिया। तुम्हें पता है अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अब तुम्हारा दोस्त मुझे पसंद करने लगा तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम्हें पता होना चाहिए था मेरे दिल में क्या है। जल्दबाजी मत करो, आराम से सोच के बोलना कि तुमने मेरे बारे में क्या फैसला किया, कल यही इसी वक्त। ए, क्या कहा उसने, कुछ तो बोल। छोड़ना यार, क्या करेगा सुन के। मुन्ना तू पूछना क्या बात है। अब मैं क्या पूछूं यार, समझ जाना वो लड़की तेरे टाइप की नहीं है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे जानना है उसने क्या कहा। ए, मैं भी जानना चाहता हूँ उसने क्या कहा, बोलना। समझ नहीं आता कैसे कहूं। है मैं बद्रू की दुकान से माइक लेकर आऊं क्या? उसके बाद बोलना, पूरा शहर सुनेगा। ठीक है, बोले थे मुझे पसंद करती है। मुझे क्या देख रहा है, उसकी तरफ देख। पीना तुझे नहीं इसको चाहिए, वो भी रात दिन। ले पी, गटक ले देवदास बन। चकना दूं क्या? ये ले खा खा, गटक ले। अरे दिल पे बिल्कुल मत ले, आज उसके पीछे बहुत लौंडे होंगे, लेकिन जब सुंदरी स्कूल में थी ना तब से अपना सुंदर उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसके आगे पीछे लट्टू था, उसको शादी के लिए भी बोला था। क्या बोल रहा है तू? इसके बाप को इस बात का पता चल गया और कुत्ते की तरह कमरे में बंद करके धो डाला। तू ही पूछ इसको। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या घंटा बताता, उस टाइम तू इसके बाप को मिलता तो वो तेरी भी धुलाई करता। एक बार मैंने इसे पीने के लिए बुलाया था, तब भी इसके बाप ने मुझे मारा था। अच्छा तो मैं कह रहा था कि वो इससे प्यार करती है, मतलब अब तेरा कुछ नहीं होने वाला। पी पी अपना लीवर साफ कर, अपने लीवर से हटा दे उस लड़की को। थोड़ी बाकी रखना। अच्छा तू क्या बोलने वाला था बता। ये कहानी आजादी। एक मिनट। आजादी Thank you.
कैसी हो अर्चना, बस चालू हो गई? क्या हुआ, उदास लग रही हो? आज तुमसे मिली नहीं ना, इसलिए। ए, तुमने कहा था कि तुम्हें एग्जाम की पढ़ाई करनी है, तो फिर मदुराई मदुराई चलो चलो जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। मैं भैया ये ऐसी ही है, ये खुद मना करेगी और फिर मिलने के लिए कहेगी, इसकी बात सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि इसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो इसे आराम से पढ़ने दीजिए। रखती हूँ। आओ जल्दी आओ। ए, अपने आप को मिस यूनिवर्स समझती है क्या? आगे पीछे हम कोलू के बैल की तरह घूमते रहे, पर तुझे तो हमारे प्यार की कोई कदर ही नहीं थी ना। पहले हम दोनों को उल्लू बनाया, अब किसी तीसरे कबूतर के साथ उड़ रही है। पता है तेरी वजह से मैं 3 बार फेल हुआ हूँ। तुझे धोखा देना ही था तो शुरू में दे देती, 6 महीने क्यों घुमाया? भैंसे चल जाया से। ए, सारी दुनिया जानती है तू सुंदर के साथ कैसे कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है। क्यों, वो तुझे बहुत पसंद है क्या, या फिर उसे भी टाइम पास करके छोड़ देगी? ए, जब तुझे पहले ही मना किया था तो अब उसे तंग क्यों कर रहा है? मैं तंग कैसे कर सकता हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ। बोला, देख समझा रहा हूँ, उसके आसपास फटकना बंद कर दे। मैं क्या करूँ भाई, मेरा गेंडे, मुझे तो तेरा चेहरा पहले से ही कोयले में सेका हुआ लगता है। बेकार में लोचा कायको कर रहा है, तेरे लिए जरूर कोई ना कोई राम प्यारी कहीं ना कहीं होगी, जाके उसको पटाना, ढूंढ जा। प्लीज कॉपरेट गेंडे। ए गेंडे, शायद तुझे पता नहीं है कि वो किसे चाहती है। सारी दुनिया जानती है, मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपने अपने जिगरी दोस्त की आइटम को पटा लिया है। मैं तो खाली आंखें सेक रहा हूँ भाई। अबे क्या बोल रही है? इन्होंने पहले जो मुझे 1 महीने का टाइम दिया वो कम था, उसे पटाने के लिए मुझे कम से कम 1 साल का टाइम तो लगेगा भाई। 1 साल का टाइम तो सेटिंग पक्की हो जाएगी। तू क्या बकवास कर रहा है? अरे तू समझ ना यार, जरा अपनी हाइट देख और मेरी हाइट देख, ये जूते देख मेरे, ये 3 इंच हील के जूते लड़की को इंप्रेस करने के लिए मंगाए हैं भाई। कम से कम आप तो समझो, जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमारे बच्चे मामा मामा तो इसे बुलाएंगे ना। अपनी हाथ में रहे, समझा? ए, इतना भड़क क्यों रहा है? तुझे क्या लगता है तेरे चिल्लाने से डर जाऊंगा? तेरे जैसे लॉन्डो का मैं रोल मामा बनाता हूँ? होने वाले रिश्ते का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो बैंड बजा देता मैं। बैठ जा साला, चुप ही नहीं हो रहा है। तूने मुझे मारा, मैं तो सिर्फ एक्स्ट्रा चांस मांग रहा था ना। अगर तुझे किसी को मारना ही है तो पहले इसको मार। ए, लड़की को ये ले उड़ा और हम आपस में लड़ रहे हैं। हम तीनों के बीच झगड़ा करा रहा है। रहने दे। देख गेंडे, तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, उसके आसपास भी मत फटकना। चलो जाने दे जाने दे। बस स्टार्ट हो गई? हाँ हो गई। वो गेंडा तो नहीं है? आज के बाद वो नहीं आएगा, अब तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है। अब आएगा मजा, देखता हूँ कौन बचाता उसको। वो देख डर गई, तेरा शक्ल नहीं कुछ की। अरे भाई साहब पहले उतरने तो दो। अर्चना बोलो। ए सुन, जाके अपने यार को बोल दे मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। अब अगर वो आएगा ना तो उसकी ऐसी धुलाई करूंगा कि 4 कंधों पे सीधा शमशान ले जाना पड़ेगा। ओए तू यहाँ से जाएगा या नहीं? ए, अपना मुंह बंद रख, तू ज्यादा बोलेगी ना तेरा भी टिकट काट दूंगा। क्या हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे इन मवालियों को कुछ बीच में मत आ, चुपचाप अपना काम कर। देख तू हद से आगे बढ़ रहा है। हद से आगे बढ़ने का मौका कहाँ दिया तूने? क्या हुआ? ये हमें तंग कर रहे हैं,
तुझे शर्म नहीं आती? ए शर्म के अंकल, निकल इधर से चल। ए दिमाग खराब मत कर, एक तो लड़की को छेड़ता है, ऊपर से बकवास कर रहा है। ज्यादा नाटक किया तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। मैं जब तक चुप हूँ तेरे लिए अच्छा है, नहीं तो इधर ही मारूंगा। चलो बढ़ाओ आगे। ए, तेरे भेजे में बात नहीं घुसती क्या? नहीं घुसती है, क्या कर लेगा? ए, मैंने बोला था ना इस बस में मत चढ़ना। ये बस तूने खरीद लिया क्या? उल्टा जवाब दिया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। मारेगा, मुझे मारेगा? हम सब क्या चूड़ियां डाल के बैठे हैं? बोला ना बस से उतर। बस क्या तेरे बाप की है? अरे बट्टू, बट्टू, ये क्या हो रहा है? क्या बन रहा है? बट्टू, बट्टू, नहीं, क्या 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 तुम नहीं मर सकते? मार डाला इन लोगों ने तुझे, मार डाला रे, मार डाला। बट्टू, अरे कुछ बोल रहे हैं? तू ऐसे हम लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता? क्या क्या, क्या क्या तुम लोगों ने? आइए दामाद जी। क्या हुआ दामाद जी, दहलीज पे ही खड़े हो, अंदर आने का इरादा नहीं है? ऐसे घर में आने से क्या फायदा जिसकी कोई इज्जत ही ना हो और लोग थूतू कर रहे हो। दामाद जी, ससुर जी,
चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप भूल रहे हैं कि मैं इस घर का बड़ा दामाद हूँ। आपकी छोटी बेटी की शादी भी मेरे ही घर होने वाली है, इसलिए आपकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती। ये पढ़िए ससुर जी। इसमें लड़की का नाम बदल के कविता लिखा गया है। क्या आप जानते हैं उस लड़की का असली नाम क्या है? क्या ये सच बोल रहे हैं? तुझे पूछ रहा हूं, तेरे गुलछरे अखबारों में छप रहे हैं। मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब दे। तेरा और उस लड़के का चक्कर चल रहा है ना, जवाब दे। जवाब नहीं दे रही है। अरे छोड़ो मुझे, मैं दिन रात मेहनत करके इसे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये तो पढ़ने के नाम पे गुलछर्रे उड़ा रही है। ये है इस बेशरम की पढ़ाई और कॉलेज, हमारे लिए सबसे बढ़कर हमारी इज्जत है, समझ गई तू? इससे तो अच्छा होता तू पैदा होते ही मर गई होती। ऐसा करने की क्या जरूरत थी अर्चना, अपने खानदान के बारे में तो सोचती। देख कितना अच्छा लड़का है ये, तुझे ये भी पसंद नहीं? आंख दिखा दी अंकल, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। शर्म पढ़ाई की आड़ में अपना मुंह काला करवाया और आंखों में शर्म तक नहीं है। अगर आज के बाद तूने उस लड़के से मिलने का सोचा भी तो गला घोट के जान से मार डालूंगा। क्या हो गया तुम्हें? शांत हो जाओ, मारने काटने की बातें मत करो, चलो यहाँ से, चलो चलो चलो, शांत हो जाओ। इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। जगन से अर्चना की शादी करवा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऊंच नीच हो जाए और आप पछता दे रहे। लड़कियों को हाथ से फिसलते देर नहीं लगती। दामाद जी, खड़े खड़े बातें मत कीजिए, यहाँ आके बैठ जाइए। आइए बैठिए। तेज प्रताप, मार काट से किसी बात का हल नहीं निकलता, दिमाग शांत रख के काम लो। देखो इस मामले को घर की औरतें ही सुलझा सकती हैं। अगर हमने जोर जबरदस्ती की तो वो गलत कदम भी उठा सकती है। ये प्यार मोहब्बत का खेल घर को ले डूबता है, इसमें बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलता, इसीलिए शांति से काम लो। दामाद जी, जगन की शादी का वादा हमें याद है, आप उसकी चिंता मत करो, जगन की शादी अर्चना से ही होगी। ए, अब तेरा चेहरा क्यों इतना लटका हुआ है? फिक्र मत कर, अर्चना की शादी तुझसे ही होगी। क्या तू अभी भी अर्चना से नाराज है? मैं अर्चना से नाराज नहीं हूँ भाई, उसका जिस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है वो मेरे ही कॉलेज का दोस्त है, साले को जिगरी समझता था, पर वो कमीना तो मेरी आस्तीन में पलने वाला जहरीला सांप निकला, छोड़ूंगा नहीं। तू टेंशन मत ले, तेरी शादी अर्चना से ही होगी। राजकुमारी, अरे ओ राजकुमारी, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा आप मुझे अर्चना ही बुलाइए। ठीक है बाबा, तुझे अर्चना कह के ही बुलाऊंगी, लेकिन आखिर हुआ क्या है, तू मुझसे क्यों नाराज है? क्या बेटी, तेरे पापा ने जो किया तो उस बात पे गुस्सा है? अरे अर्जु, वो तेरे पापा हैं, वो जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, तेरी भलाई के लिए करेंगे। वैसे भी हम सबकी जोड़ियां बनाना ऊपर वाले के ही हाथ में है, जिसकी जोड़ी तेरे साथ लिखी होगी वही तुझे मिलेगा, इसलिए गुस्सा छोड़ और मान जा। भाभी, सावित्री, वो किधर है? अंदर बैठिए, जा बात कर ले। आप ये पकड़ो, मैं देखती हूँ। अर्चना। हाँ चाची। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? बता ना क्या बात है, ये क्या तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? मुझे नहीं पता चाची। ए अर्चना, तू तो मुझे सब बताती है ना, अब तू अपनी चाची से छुपाएगी? ये क्या, कपड़े बिना निचोड़े ही तूने तार पर डाल दिए? मैंने सुना है तुझे किसी से प्यार हो गया है, लड़का दिखने में तो अच्छा है या फिर वो? चाची प्लीज चुप हो जाओ। क्यों, बचपन में तो तू अपने होने वाले पति को लेकर मेरे कान खा जाया करती थी, अब पूछ रही हूँ तो तू मुझे चुप करा रही है? देख अर्चना, जेठ जी तेरा बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि लड़का सुशील हो और अच्छे खानदान से हो। अरे बेटा, वो तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे पापा हैं। आज तक तूने भी जो उनसे मांगा है उन्होंने कभी ना कहा है क्या? वो बस ये चाहते कि तेरी शादी अच्छे खानदान में हो।
वो तेरी खुशी चाहते हैं। अगर तू उन्हें ये खुशी नहीं देगी तो कौन देगा? माना कि तूने प्यार किया है, पर किसे पता कि वो लड़का तेरे लायक है भी या नहीं। मुझे भी गंगू हलवाई से प्यार हुआ था, मुझे हमेशा जलेबी खिलाता था, मेरे ऊपर पूरी तरह लट्टू था। एक दिन उसने मुझे छत पर मिलने को बुलाया। उस वक्त मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी। जोरदार इश्कबाजी चल रही थी। 2 साल तक मैं तेरे इश्क में पागल, तू मेरे इश्क में पागल, यही गाना गाते थे। फिर पापा को पता चल गया, प्यार की पुंगी बज गई, पूरे परिवार में तमाशा खड़ा हो गया। मैंने अपने पापा के आगे घुटने टेक दिए और तेरे चाचा से शादी कर ली। और मैं क्या करती, गांव में लड़की की मर्जी चलती कहाँ है? जहाँ माँ बाप कहते हैं लड़की को शादी करनी पड़ती है। तो ठीक है ना? कैसा है सुंदर? ए, जेल तो मैं गया था, तुम लोग क्यों उदास लग रहे हो? ऐसे अच्छे नहीं लगते। चलो। पापा नहीं आए क्या? वो वकील से मिलने गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं सीधा तुझे घर ले चलूं। ठीक है, वो जरूर आपके ऑफिस में होंगे, आप जाइए। चलो। रुक। सॉरी यार, तुझसे जेल में मिलने नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, मैं आ गया ना, मैं भी तुझसे कब से मिलना चाहता था, मैंने जानबूझकर नहीं किया प्रकाश। चुप यार, जो हो गया सो हो गया। ए, अरविन और मुन्ना, तुम सब सीधा अड्डे पर पहुंचो, सुंदर छूट गया मेरी तरफ से पार्टी। अरे रहने दे रे। बोला ना चुप कर। देख जिंदगी में अच्छा और बुरा बोल के तो नहीं होता है ना, हमें जिंदगी का मजा लेना है बस। ए, तू अरविन के बाइक पे जा, तू पीछे बैठ। अरे बैठ ना। मेरे लिए पूरा ग्लास भर के ला। अरे भाई मेरे लिए चकना मंगाना। अरे सुनो, यहाँ पे आओ। ए, मैं शराब नहीं पीऊंगा। क्यों यार, थोड़ी पी लेना। अरे क्या लाया यार, जरा गरम करके ला। बोला ना नहीं ए, चाहिए। चुप बैठ। ए, क्या है, जाने देना, उसका मन नहीं है तो फोर्स क्यों कर रहा है? अब तू शुरू मत कर यार। मैं सोचा कि तुझसे मिल के बात करूंगा। ए, तूने जो किया वो जानबूझ के तो नहीं किया ना? हाँ लेकिन पहले बताता तो सालों को मार के ठीक करता, फिर ना तो नट्टू बेकार में उस दिन मरता और ना ही तू जेल जाता। अब सजा तो काट ली ना, कुछ भी हो गलती उसी की थी। जब उसको पता था कि उसका टाइम खत्म हो चुका है तो बीच में काय को पढ़ने का? मैं तुम लोग की जगह होता तो मैं भी वही करता, छोटी सी बात उसको समझनी चाहिए थी। अरे यार सब छोड़ ना, तू पी क्यों नहीं रहा है? इस हादसे के बाद मुझे पीने का जरा भी दिल नहीं करता, पता नहीं घर वाले क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मेरा सुंदर आ गया, मेरा राजकुमार आ गया, मेरा बच्चा घर लौट आया, शुक्र है भगवान। क्या हो गया आप लोगों को? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप समझाइए ना इन्हें, मैं आपके सामने हूँ। आप लोग रो क्यों रहे हैं? छोड़ो मुझे, मैं सिर्फ जेल गया था, ऊपर नहीं गया था। इन बुढ़ियों ने आज तक प्यार से इसे बुलाया तक नहीं होगा, आज देखो कैसे मधुमक्खियों की तरह भिन भिना रही है। एक्टिंग में ऑस्कर मिल सकता है इनको। छोड़ो मुझे। अरे क्या हो गया, बस करो नाटक, क्यों हंगामा कर रहे हो? छोड़ ना, पगार काट लूंगा। 2 दिन से काम पर नहीं आई, आज रोने चली आई। अरे छोड़ दो उसको। क्या हो गया है, कोई मर तो नहीं गया ना? खामा खा के मगरमच्छ के आंसू, और करोगे लाड़ प्यार? पहुंच गई कलेजे को ठंडक, मुलाकात हो गई ना? ये भी मरा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ इसको, अब जाओ यहां से। निकलो निकलो, काम पे लगो, जाओ जाओ जाओ, बस बस बस, बहुत रो लिया, जाओ। खेत चलो, में किलो के हिसाब से काम बाकी और यहाँ पर सब मिलके घड़ियाली आंसू बहा रहे। जाओ जाओ जाओ। हाँ नकली रो रहे थे, तुम में से किसी के हाथ में मैंने वो ग्लिसरीन की बोतल भी देखी थी, कौन था वो? तुम दोनों को इतनी बेअक्ल नहीं कि कब शोर मचा के घर सर पे उठाया जाए और कब अपना मुंह बंद रखा जाए। इसके प्यार ने तुम दोनों का दिमाग खराब कर दिया है।
घर का बच्चा 15 दिनों के बाद लौटा, ये तक नहीं पूछा ठीक से खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, सबके सब बस तमाशा करने में लग गए। पकड़ो इसे, इसके नहाने के लिए पानी गर्म करो, ये जो भी कहे इसके खाने के लिए बनाओ, और थोड़ा ख्याल रखो इसका। दुखी मत हो बेटा, चल अंदर चल, सब ठीक हो जाएगा। चाची मावे की खीर बना रही हो? आजा विद्या आजा, आज तू बड़े दिनों बाद आई है। सुंदर जंग लड़के वापस जो आ गया, इसलिए आई हूँ ताकि फिर लोग ना कहे देखो विद्या हालचाल पूछने तक नहीं आई। तू इससे शादी करती तो ये जेल ना जाता, देख रही है ना क्या हालत हो गई है इसकी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने मना किया था, मेरी शादी का फैसला मैंने थोड़ी ना लिया, मेरे बाबा ने किया था। ये सब नसीब की बातें हैं। वो सब छोड़ो माँ जी, आज सुबह सुबह गांव की चंपा बता रही थी कि सुंदर ने एक लड़की के लिए बस में एक लड़के का खून कर दिया। ऐसी कौन सी हूर की परी थी जिसके लिए ऐसा कर दिया? गांव में इतनी अच्छी लड़कियों के बावजूद इसे पसंद ही आए तो वो बस वाली लड़की जिसके लिए जेल भी गया। अब मुझे शादी करनी ही पड़ेगी इसका मुंह बंद करने के लिए। हाँ चाची, वो कहते हैं ना दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि इसकी पसंद क्या है। लड़की तो ऐसी होनी चाहिए जो घर में आए तो बड़ों को इज्जत दे और छोटों को प्यार दे, मेरी तरह। जिस लड़की के आने के पहले ही सुंदर जेल चला गया, उसके आने के बाद पता नहीं क्या क्या होगा, उसके लक्षण ठीक नहीं है। उसकी पसंद की लड़की जो है हमारे घर की बहू बनेगी। अरे क्या हुआ इसे? ये मुझे 5 मिनट भी कहीं चैन से बैठने नहीं देता, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। और ये काजू बादाम किसके लिए लिए हैं? इसके पति के लिए। खीर के लिए है। रोज काजू बादाम खिला खिला के गधे को घोड़ा बना रही है। हा? चुप कर सुंदर। ए, तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? ये कोई किडनैपर या सीरियल किलर नहीं है, समझा गया? तुम लोगों का बस चले तो मुझे कटप्पा बनाने में जरा भी देर नहीं करोगे, दूंगा एक खींच। अभी तो जेल से निकला है, दिमाग शांत रखना, गांव वालों को बात करने के लिए फिर से टॉपिक मिल जाएगा। तू जो भी बोलता है तोल मोल के बोला कर, यहाँ तो कई लोग इंतजार कर रहे हैं। क्यों धनीराम? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो स्विच्ड ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। क्या हुआ? अर्चना का फोन ऑफ आ रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कैसे मिल सकता हूँ उसे? लगता है उसे मिलने के लिए उसके घर ही जाना पड़ेगा। बस एक सिगरेट देना माचिस। हमको सुबह निकलना चाहिए था। जैसे जानता नहीं कि सुबह कितनी ट्रैफिक होती है। मुन्ना को फोन करके पूछना कब आएगा। मुन्ना कहाँ है तू, कब आएगा? मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अगर कोई काम है तो रुक जा, मैं और अरविंद संभाल लेंगे। नहीं नहीं मेरा भी हो गया, बस धो के आ रहा हूँ। ठीक है आ जा। ए अरविंद, सड़क की दूसरी तरफ दो लोग हमें घूर रहे हैं, मैं तो उन्हें नहीं जानता, धीरे से देख के बता, क्या तू उन्हें जानता है? सुंदर मुन्ना क्या बोल रहा था? सुंदर मुझसे बात करते करते पीछे देख, तेरे पीछे भी 3 लोग हमें घूर रहे हैं। बोल क्या करना है? चाय वाले को पैसे दे, हम निकलते हैं। कितना हुआ? 22 क्यों रोकी? देख साला अपुन को ही घूर रहा है, यहां से निकल रहा है। उस दिन तो बस में बहुत उछल रहा था, आज क्या हुआ, तेरे हीरोगिरी की हवा निकल गई क्या? नट्टू को जान से मार के तुझे क्या लगता तू बच जाएगा? Go!
प्रकाश इधर। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं रे। किसने किया ये? उनको पहचानता है तू? मुझे लगता है वो जरूर नट्टू के दोस्त रहे होंगे। साले शाने बनते हैं क्या? अब तू बस देखता जा। यार तू बस यहाँ पे बैठा रहे, मैं अभी जाके उन कुत्तों को सबक सिखा के आता हूँ। ए पागल है क्या? खुद को सिंगम समझता है? वो लोग भी नट्टू के दोस्त है, वो तो बदला लेंगे ही ना। अगर मान ले मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम लोग बदला नहीं लोगे? लेकिन यार गुस्सा थूक दे, चुपचाप बैठ। सुंदर, जो कुछ भी हुआ तुम्हें बुला रहे हैं। तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। ए कहीं जाना नहीं। ए बैठ जा। पूरे 6 लोग थे वो। उन्होंने तो हमें जान से मारने का प्लान बनाया था, पर वो भूल गए कि सुंदर को मारना बच्चों का खेल नहीं है। उसका बाल भी बाका नहीं कर पाए। 6 की जगह 10 भी होते ना तो भी वो अपने सुंदर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उन सबको अच्छा सबक सिखाया सुंदर ने। मालिक, आप हमेशा मुझे साथ लेकर जाते हैं, आज अकेले जा रहे हैं। अरे सुंदर साथ है ना मेरे, फिर तुम लोग क्यों परेशान हो? पर मालिक देखो मेरी बात सुनो, ये मेरा पारिवारिक मामला है, मैं नहीं चाहता ये पूरे गांव के लिए सरदर्द बन जाए। शाम तक लौट आऊंगा, उसके बाद बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना? ठीक है, चलो। बेटा ये देवी माँ का आशीर्वाद है, इससे तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे। बेटा आप ही की वजह से ये सर चढ़ गया है, अब जाने दीजिए। सुंदर ये प्रसाद है, रख ले बेटा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। हम मानते हैं आपकी बात सही है और आप अपने बेटे के लिए यहाँ न्याय मांगने आए हैं, पर जो जिंदगी गई उसका क्या? जिंदगी के बदले जिंदगी लोगे तो पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। हमारे गांव में हमको ही धमका रहे हो? ए तुम लोग देख क्या रहे हो? आज इन सालों को इनकी औकात दिखा देते हैं। चलो चलो। ए शोर मचाना बंद करो, बात करने दो। ए चुप हो जाओ, हम लोग बात कर रहे हैं ना। तुम लोग चुप रहो, चुप रहो। पहले तुम लोग शांत हो जाओ, हम सारे पंच भी इसी बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं। फैसला हो जाने दो, उसके बाद जितना चाहे शोर मचा लेना। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। मैं अपने बेटे की तरफदारी नहीं कर रहा, उसने जो किया गुस्से में किया, अगर बदले में आपने इसे चोट पहुंचाई तो हो सकता है कि आगे जाकर इसका कोई अपना भी आपसे बदला ले। ये सिलसिला कहां थमेगा मालूम नहीं, लेकिन ये पक्का है कि कुछ परिवारों के बच्चे जरूर मर जाएंगे। मुझे तो ये तक पता चला है कि जो बच्चा मरा है उसे वो लड़की प्यार तक नहीं करती थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसके परिवार का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। उसके माँ बाप को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, मैं 2 एकड़ जमीन इनके नाम कर दूंगा। मैं यहां पर किसी की मौत की कीमत लगाने नहीं आया हूं, बस इसके खिलाफ किया हुआ केस वापस ले लीजिए। मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा, मैं और मेरा बेटा इस बात के गवाह हैं। अच्छा 2 एकड़ जमीन देके हमारा मुंह बंद करवाना चाहते हो? हमें तुम्हारी ये भीख नहीं चाहिए। तुम कहो तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे पैर पर गिर के माफी मांगने के लिए कहता हूँ। सुंदर दोस्तों ये हमको उल्लू बना रहा है, सबको चूना लगा रहा है ये। ए चुप हो जाओ सब लोग। चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ ना चुप हो जाओ। ए तुम लोग सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चलो बात करने दो। तुम्हारे अंदर अपने दोस्त को खोने का गुस्सा भरा हुआ ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो इस बात का बदला ले सकते हो, पर क्या ये सब करके तुम्हारे मन को शांति मिलेगी? पुलिस केस कोर्ट जेल 10 लफड़े होंगे, कभी इसके बारे में सोचा है? आज तो जोश में बदला ले लोगे पर होश आते ही जेल में मिलोगे। आज तुम बाबू के माँ बाप से एक वादा करो कि उसके बहन की शादी किसी अच्छे लड़के से कराओगे, और ये भी वादा करो कि उनके बुढ़ापे में तुम सब उनका साथ दोगे। अरे ये सब कहने की बातें हैं, 1-2 महीने में सब भूल जाओगे। तुम्हें क्या लगता है ये कोई मामूली आदमी है? इनकी एक आवाज पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। अब इस बात का फैसला तुम लोग नहीं करोगे, ये लोग करेंगे।
अगर ये लोग मान गए तो मामला यही खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम लोगों ने कुछ तमाशा किया तो उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हमारे पास भागते हुए मत आना। ये लोग बात खत्म करना चाहते हैं और तुम लोग राय का पहाड़ बनाना चाहते हो। मंजूर है। तुम्हें भी मंजूर है? हाँ मंजूर है। ठीक है, तुम्हारा क्या फैसला है? तुम भी राजी हो? मुझे मंजूर है। ठीक से जाना। चलता हूँ माजी। हाँ। नमस्ते। हाँ ठीक है। सुनीता, जगन और अर्चना की शादी की जिम्मेदारी तेरी। क्या हुआ, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि इसका लास्ट सेमेस्टर है, इसलिए इसे कॉलेज जाकर हॉल टिकट लेकर आना है। आपसे पूछने में डर रही है इसलिए चुपचाप खड़ी है। हम यहाँ इसकी और इसके देवर की शादी की तारीख तय कर रहे हैं। वैसे शादी से पहले लड़की बाहर नहीं जा सकती, लेकिन जब इसने मेरी बात मानी है तो मैं भी इसकी बात मानूंगा। कल कॉलेज जाके हॉल टिकट ले आना, लेकिन एग्जाम के लिए इसे भेजना है या नहीं ये फैसला मैं बाद में करूंगा। कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब मंजूर है तो ये कल कॉलेज जा सकती है और अपना हॉल टिकट लेकर आ सकती है। बहुत हो गई इसकी पढ़ाई लिखाई। क्यों भाभी, अगर लड़की एग्जाम देना चाहती है तो इसमें बुरा क्या है? चली गई। अर्चना एग्जाम देगी। तुझे लगता है वो मान जाएगी? हाँ, उसे मनाने का यही सबसे अच्छा आइडिया है। धीरे धीरे हम लोग चाल चलेंगे, तभी तो इस बाजी को जीत पाएंगे। आप सब मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगी। हेलो। पापा ने शादी के लिए 3 तारीख सोची है। मुझे जगन का नंबर दो, उसे भी बता देती हूँ। ठीक है, देता हूँ। हेलो। हेलो जगन, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। हाँ भाभी बोलो। पापा ने हाँ कर दी है, तुम दोनों की शादी अगले महीने की 3 तारीख को फिक्स हुई है। ठीक है भाभी। बस बस, अच्छा कितना हुआ? 50 रुपए। आजा आजा चल। हाँ सेंटर का नाम तो लिखा है, देखना मेरे घर के बहुत पास है। अच्छा हुआ ना। अगर कोई और निकली ना तो तेरा थोपड़ा। सच में वही थी यार। वो आ रही है। देखने के बाद भी नहीं रुकी? अरे रुकना, उसके साथ कोई है इसीलिए नाटक कर रही होगी। उसने मुझे भी ऐसे देखा जैसे मुझे जानती तक नहीं है। ये सुंदर रुकना यार, और तेरे में क्या है काले गोटे? क्यों कोई तुझे प्यार से देखेगा? साले तेरे तो दांत भी नहीं है। ऑटो, कमबख्त कभी रुकते ही नहीं। ए, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन है तू और हमें इस तरह क्यों रोक रहा है? चुपचाप चला जा वरना चप्पल निकाल के मारूंगी। ए तू चल। ए रुको, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा कि तुमसे। ए तेरी इतनी हिम्मत, हाथ पकड़। तो क्या तुम्हारा हाथ पकड़ूं? बोलो तुम्हारा हाथ पकड़ूं? हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। देखिए आप मेरी बात सुनिए, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। आप जाइए ठंडा पीजिए, मैं इसे यहीं लाकर छोड़ दूंगा। इससे क्या बात करनी है? मैं इससे क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं तुम्हें बताना जरूरी है क्या? अर्चना जल्दी आओ। कौन था ये? बहुत ही बदतमीज लड़का है। चाची मैं इसी से प्यार करती हूँ, मैं बस 2 मिनट उससे बात कर सकती हूँ। हाँ उसे मनाने का यही सबसे अच्छा आइडिया है। धीरे धीरे हम लोग चाल चलेंगे, तभी तो इस बाजी को जीत पाएंगे। आप सब मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगी। तुझे बचाने के लिए मैं जेल तक चला गया और तू है कि मुझसे नजरें चुराकर भाग रही है। फोन भी स्विच ऑफ कर दिया, कहीं मुझे छोड़ने का प्लान तो नहीं बना रही हो? मेरी शादी तय हो चुकी है। क्या? ओए ओए, तुम सुंदर की दुल्हनिया और तुम्हें सुंदर ही ले जाएगा। तुम्हारा फैसला भले ही बदल जाए लेकिन मेरा नहीं बदलेगा। तुम्हें क्या लगता है कोई भी आरा गेरा तुम्हें ले जाएगा? एक कान के नीचे क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर? मैंने रिश्ते के लिए अभी तक हाँ नहीं की है, चुपचाप बैठी हूँ इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं तैयार हूँ। तुम मेरे साथ हो या नहीं ये जाने बिना मैं कैसे लड़ सकती हूँ उनसे अकेले? मेरी सारी चाचियाँ किसी भी तरह मेरा जवाब ना से हाँ करने की कोशिश करती रहती है। क्या ये कोई निशान है या दाग जो धोया और निकाल लिया? सब कहते हैं शादी के बाद लोग पहला प्यार भूल जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, बल्कि तुम्हारे बिना मैं जीना ही नहीं चाहती। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, चाहो तो मेरे घर वालों को मना लो या फिर हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं और हम मंदिर में शादी करेंगे। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथों में है। मेरी मुश्किल का हल अब तुम निकालोगे। तुम अपने पापा से क्यों नहीं कहते कि मेरे घर आए और मेरे घर वालों से हमारी शादी की बात करें? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं चलती हूँ।
ए, तुम डरना मत, सब संभाल लूंगा। भला मैं क्यों डरूं? मैं जानती हूँ तुम हल निकाल लोगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये वक्त भी कट जाएगा। देखा, इसलिए मैं इसे कहीं जाने नहीं देना चाहता था। और इस बेशर्म की हिम्मत तो देखो, इतना सब होने के बाद भी उस लड़के से मिल रही है। शादी अगले महीने की 3 तारीख को होगी। हाँ पापा। अभी शादी में 30 दिन बाकी हैं। हाँ पापा। दामाद जी को फोन करके कह दो कि शादी की तारीख बदल दे। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी हो जाए। ये कौन है? इनके लिए कुर्सी लेकर आओ। नमस्कार। बैठिए ना। शायद आप मुझे नहीं जानते। मैं जानता हूं तेज प्रताप, ये सूर्यकांत जी हैं, उसी लड़की के पिता जो अर्चना को चाहता है। पूरी तहसील के सबसे बड़े जमींदार हैं। बैठिए। मैंने आपके बारे में काफी सुना है। मेरा बेटा गलत था, उसे मुझे बताना चाहिए था कि वो आपकी बेटी को पसंद करता है। मैं खुद आकर आपसे बात करता। वैसे गलती मेरी भी है, क्योंकि उसके जाने के बाद मुझे आपसे आकर बात करनी चाहिए थी। दरअसल उस वक्त मुझे काम से बाहर जाना पड़ा, और जब तक मामला थोड़ा संभल पाता तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। देखिए, आप नहीं जानते लेकिन मेरी बेटी की शादी की तारीख तय हो चुकी है। 30 दिन बाद उसकी शादी होनी है। कुछ और बात करनी हो तो बताइए। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं। हमारी और आपकी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है, बल्कि उससे भी ज्यादा रुतबा है, नाम है हमारा। विश्वास ना हो तो इनसे पूछ लीजिए। मेरा बेटा आपकी बेटी को चाहता है, इसीलिए आपके घर आया। अगर मैं अकेले आपके घर में आके बात कर सकता हूं तो आपकी बेटी को उठवाने की भी हैसियत रखता हूं। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अपनी झूठी शान और से छोड़ दीजिए। सिर्फ उसके प्यार की वजह से मेरे बेटे ने आज इतना कुछ सहा है। ए! अच्छे से सोच के बताइए, कोई जल्दी नहीं है। बहू रानी, ससुर को पानी नहीं पिलाओगी? ये शगुन तुम्हारे लिए बेटा, अपनी मां को दे देना। ये सुंदर की मां ने भिजवाया है। एक मिनट बेटा। बिल्कुल फिक्र मत करना, आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। चलता। ये क्या मालकिन, मालिक तो चुपचाप खड़े हैं। मालिक को आने दो, फिर बात कर लेना। हाँ यही ठीक रहेगा, तू बात करना, समझ गई? वो तो कुछ भी हुआ तो हम संभाल लेंगे। वो आ गए। सुनीता, यही मौका है, उनसे साफ साफ पूछ लेना। पापा, शादी के कार्ड छप कर आ चुके हैं, वो पूछ रहे थे कि बांटना शुरू कर दें। बेटा, मैं थोड़ी सी उलझन में हूँ, मुझे बस 2 दिन और दे दो। हाँ, बोलो। मैंने पापा से बात की,
क्या कहा उन्होंने? पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने सोचने के लिए दो दिन और मांगे हैं। ध्यान रखना, अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई ना तो दोबारा वापस कभी मत आना। हाँ भैया। तेरी भाभी का फोन आया था। अच्छा, क्या बोली? मुझे लगता है तेरे ससुर जी अपने वादे से मुकरने वाले हैं। हेलो जगन, हेलो हेलो। कल रात उनका फिर से फोन आया था। अर्चना, अपनी माँ से कहो मेरे लिए पीने का पानी लाए। वो पूछ रहे थे कि शादी के कार्ड बांटने शुरू करने हैं या नहीं, अब सिर्फ 3 हफ्ते ही तो बचे हैं। हाँ बेटा, मैं उसी बारे में तुमसे बात करने वाला था। दामाद जी से कह दो कि कार्ड किसी को नहीं देने हैं। ये आप क्या कह रहे जी? क्यों पापा? मैंने इस बारे में बहुत सोचा, गांव के बड़े बुजुर्गों से भी राय ली। मैंने सुंदर के पिता को कहीं मिलने के लिए भी बुलाया है। उस दिन कोई शुभ मुहूर्त निकलवा कर हम अर्चना और सुंदर की शादी की तारीख तय कर देंगे। पापा, आंसू पहुंच ले बेटा, रोना बंद कर दे। तुझे खुश होना चाहिए, आखिरकार वही हो रहा है जो तू चाहती थी। जा, अब अपना मुंह धोकर। पूरा गांव उसे हत्यारा कहता है। आप हत्यारे से इसकी शादी करवाएंगे? हाँ, मैं इसकी शादी एक हत्यारे से ही करवाना चाहता हूँ। वो हत्यारा मेरी बेटी की वजह से ही बना है। और फिर तुम जरा सोचो, उस लड़के ने उस दिन जो कुछ भी किया हमारी बेटी के लिए तो किया है। दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। मेरी बेटी को उससे ज्यादा प्यार करने वाला लड़का कहीं नहीं मिलेगा। अर्चना और सुंदर की शादी उसी दिन होगी। मैंने शादी के कार्ड भी छपवाने के लिए दे दिए हैं। तुम्हारी बेटी को उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। अब शादी की तैयारियां करो। पापा, और मैंने जो वादा किया उसका क्या? वादे कभी कभी तोड़ने पड़ते हैं। कई लोग अपने वादे पूरे नहीं कर पाते बेटा, इसलिए नहीं कि वो झूठे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस वक्त सारी परिस्थितियां उनके खिलाफ होती हैं। उन्हें समझा देना। बहुत जचेगी उस पर। पंडित जी से मुहूर्त की साड़ी अच्छी है मां, अर्चना को भी ये कलर पसंद है। अच्छा ठीक है। बाबा, चाची इस तरह चलता रहा ना तो इसकी दुल्हन आते ही पूरे घर पर अपना कब्जा जमा लेगी। शुरू हो गई। चाची, अब आप जरा बच के रहना, लगता है आपके बुढ़ापे में मुझे ही आपकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, तू मेरी बहू नहीं है क्या? ये सब कहने की बातें हैं, वरना पहले ही आप इसकी शादी मुझसे करवा देती। हर कोई मेरे सुंदर से शादी थोड़ी कर सकता है। एक मिनट दादी, मुझसे शादी करनी है ना तो एक ही मंडप में कर लेते हैं। अच्छा, मैं तो एक को ही ठीक से नहीं झेल पा रही हूँ, फिर दो दो को एक साथ कैसे झेल पाऊंगी? क्यों, अब सुंदर नहीं चाहिए तुझे? छोड़ मेरे को। अरे पागल, मरना है क्या तुझे? जी क्या करूं यार, खुद को चोट पहुंचाएगा तू। चल जगन, ये हाथ पे हाथ रख के आंसू बहाने का वक्त नहीं है। थोड़ी सी जमीन देकर वो बाबू के परिवार को चुप करा सकता है, लेकिन क्या उसे नट्टू वापस आएगा? और साले ने ये सोच भी कैसे लिया, वो मौत पे पैसे का मरहम लगाएगा? हमेशा कहता था दोस्तों के लिए जान हाजिर है, और आखिर उसने दोस्त की जान ली। ये शादी अगर हो गई ना तो मैं अपनी नस काट लूंगा। जैसी बात मत कर, बकवास करता है। तू क्यों मरेगा? किस लिए मरेगा? एक तो गलती वो करे और जिंदा भी रहे, और मरे हम लोग। हाँ, किसी को तो मरना पड़ेगा। क्या कह रहा है? हाँ यार, ये वही अर्चना है जो जगन की भाभी की सगी बहन है, और ये बात कल ही उसने मुझे बताई। शादी के कार्ड्स तक छपवा दिए थे, अगर यकीन ना हो तो ये देख। यार ये बात मैं नहीं जानता था। पिछले 3 साल से वो उसे शादी के सपने देख रहा था, पर तेरे आने से सब कुछ बिगड़ गया। और एक बात जानता है, कल तो वो दारू की बोतल अपने सर पे फोड़ने वाला था।
इस वक्त वो कहाँ होगा? पता नहीं यार। उसका फोन लगा। बोल क्या हुआ? जगन, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। उसने फोन काट दिया। मुझे लगता है तुझे उसे मिलके बात करनी चाहिए। मैं उसे नाराज करके शादी नहीं करना चाहता। ऐसा मत बोल यार, वरना अर्चना के साथ शादी करना भूल जा। कोई बात नहीं, अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोप के मुझे यह शादी नहीं करनी है। चल उससे बात करते हैं। अभी मत जा यार, तेरे घर में शादी का माहौल है। तू एक काम कर, अपना काम संभाल, कल वो जहाँ होगा मैं तुझे वहीं पर बुला लूंगा। तू आमने सामने मिलकर बात कर लेना। सुंदर, देवर जी ये लो मंदिर का प्रसाद। चाचा जी तुम्हें ढूंढ रहे थे, वो शादी के कार्ड बांटने जा रहे हैं। अरे तुम भी प्रसाद लो, लो ना। नहीं मुझे नहीं चाहिए। चल सुंदर चलता हूँ, कल फोन करूंगा। ठीक है। मंदिर का प्रसाद लेने से मना कर दिया, कितना घमंडी है। कौन है ये? फ्रेंड है। देखा, मेरे को कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। बाबू, ना जाने कितनों को मारकर हमने इस बीहड़ जंगल में दफना दिया है, और जो बच गए उन्हें चील कौवे नोच कर खा गए। यहाँ पर जो भी आता है बचकर वापस कभी नहीं जाता। तुम बेवजह डर रहे हो बाबू, डरना छोड़ो। तुम बस किसी भी तरह उस कमीने को यहाँ ले आओ, फिर देखना हम उसका ऐसा हाल करेंगे कि मौत भी हर तरह कांपने लगेगी। यहीं छिपा दो, उसे इसी जगह पर लाकर मारेंगे। अब बस उसके आने की देर है। भाई, वो कमीना आसानी से नहीं मरना चाहिए। इतना तड़पा कर मारना कि उसकी रूह तक कांप जाए। ए, तू बस उसको लेकर आ, चल रे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, जब मर्डर की बात हो रही थी तब तो मुझे डर नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। अच्छा, तुझे क्या लगता है मैं रोज मर्डर करता हूँ? उस कमीने को मारना अपना शौक नहीं, मजबूरी है, समझा गया? नहीं हाँ बोल। सुंदर, अभी तू बिजी है क्या? नहीं, वो तेरे साथ है। हाँ, वो अभी मेरे साथ ही है। तूने उससे बात की? हाँ, इस बारे में मैंने उससे बात तो कर ली है, और उसने तुझे अपने गांव के पीछे वाले जंगल में बुलाया है। दो दिन से वहीं दारू पी के पड़ा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? पता नहीं यार, मैंने भी बहुत समझाया। अच्छा, कल तू कब फ्री होगा? सुबह कुछ जरूरी काम है, 1 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, तू कल 2 बजे तक निकल जाना, मैं बीच में ही मिल जाऊंगा। फिर वहां से एक ही बाइक पर बैठेंगे और जगन के पास पहुंच जाएंगे। फिर तू उसे समझा दे और ये मैटर खत्म कर दे। ठीक है, कल मिलते हैं। हेलो। हेलो, बोलो। बिजी हो शादी की तैयारियों में? नहीं, बोलो। क्या बोलूं, ऐसे ही फोन किया था। तुम टेंशन में क्यों हो? मैंने फोन किया तो अच्छा नहीं लगा? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो पक्का बुरा लगा। क्या बुरा लगा? बुरा लगा, बोला ना फोन रख दो। क्या हुआ? कुछ नहीं। सच कह रही है ना? जगन कहाँ है? उसने बोला था वो आएगा। उसे फोन कीजिए, वो नहीं आया तो पापा डांटेंगे। नमस्ते विजय। हाँ नमस्ते। तेरे पास कितने पैसे हैं? खाली 5 रुपए हैं। सुंदर की शादी में उड़ाने के काम आएंगे। अच्छा सुंदर। क्या अंकल, जल्दी जा रहे हो? हैं फंक्शन में आने का और चले जाने का? मैं तुम जैसे लीचड़ों की तरह यहाँ बैठा नहीं रहता हूँ, बेशरम। ए ए काका, कुछ भी बोलते हो क्या? इज्जत उतार के गया। होगी तब ना उतारेगा। इज्जत देखनी है, दिखाऊं क्या? क्या बकरा है? और जाने दे। अच्छा सुंदर, मैं घर जा के आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ सीधा कर जा। क्या हुआ सुंदर, मुंह क्यों लटका है? कुछ नहीं यार, पिछले 2 दिनों से नींद पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए।
कहते हैं लोग शादी के लिए हजार झूठ बोलते हैं, इसने तो एक को टपका के ऊपर पार्सल ही कर दिया। प्यार के लिए सुंदर राजा ने बजा दिया बाजा, क्या बोलते हैं? सही बोल रहा है यार। बाबू वो आने वाला है या नहीं? हाँ जगन बोल। कभी निकलेगा? मैं उसे लेने जा रहा हूँ, ठीक 2:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है। ए जगन। हाँ बोल। वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, समझ गया ना? सुंदर समोसे कम हो गए, मैं लेके आता हूँ। हाँ प्रकाश कहाँ है? हाँ सुंदर तुझे याद है ना, 2 बजे निकलना है, मैं बीच में ही मिल लूंगा। ठीक है। राजा राम जी। मालिक ये लिस्ट पास के किराने की दुकान को दिया। ठीक है मालिक। तू कहाँ जा रहा है बेटा? बस अभी आया पापा। दूल्हे का बाहर जाना अशुभ होता है, रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई तो क्या होगा सोचो। अरे दिमाग तो ठीक है ना, क्या बकवास की बातें करता रहता है। मैं तो उसके भले की चुप कर, अकेले जा रहा है बेटा, पास ही तो जाना है। मैं तुझे रोकूंगा तो नहीं, पर किसी दोस्त को साथ ले जा। जगन अर्चना की शादी पुरानी बात है, अब तू उनकी शादी की बात करके गड़े मुर्दे उखाड़ेगा तो क्या करो? जगन से अर्चना की शादी होने वाली थी और मेरी वजह से उन दोनों का रिश्ता टूट गया। या दोस्त के साथ गद्दारी करना अच्छी बात है? प्रकाश ने बताया जब से ये रिश्ता टूटा है वो हर वक्त नशे में रहता है, घर छोड़कर जंगल में डेरा डालकर बैठा हुआ है। जल्दी आ गया, चल चलते हैं। मैंने चाय मंगवा ली है, पीकर निकलते हैं। अरविंद तुझे भी चाहिए तो मंगवा ले। इसको क्यों लाया यार, जगन ने अपन दोनों को अकेले बुलाया था। किसी को कुछ नहीं बताएगा, जैसे तू मेरा दोस्त है ना वैसे ये भी मेरा बहुत पक्का दोस्त है। वो बात नहीं है यार। तो क्या बात है, दोस्त को अगर साथ ले आया तो क्या हो गया? अरविंद जल्दी कर, निकलना है। जगन एक गड़बड़ हो गई है रे। क्या हो गया, वो नहीं आ रहा है क्या? अरे उसका दोस्त है ना अरविंद, साला वो भी उसके साथ ही है। वो क्यों आ रहा है? अब मुझे क्या पता वो क्यों आ रहा है। अरे वो आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे भी पता है, हाँ लेकिन इससे अच्छा मौका अपने को मिलेगा भी नहीं है। अब मैं पीछे नहीं हटने वाला, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, देखते इसकी किस्मत में क्या लिखा है। ए, रुक रुक। हाँ कुछ नहीं, चलो चलो। मिलने को बोला था पर वो यहाँ करता क्या है? शराबी और चरसी लोगों का यही अड्डा होता है। साला उसके साथ वाले भी पक्के चरसी लगते हैं, मुझे लगता है वो इस वक्त उन्हीं के साथ होगा। तूने बताया हम आने वाले हैं? हाँ उसे पता था हम आ रहे हैं, मुझे लगता है वो अंदर ही होगा। तू यहीं पे रुक, मैं उसे ले आता हूँ। हम भी साथ चलेंगे।
क्या यार, कम से कम मुझे तो बता सकता था। तुम लोग जाओ। देख, बात करके हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। किस मुंह से बात करेगा रे तू? जो करना था वो तो कर चुका। ए, रुकना। ए, गगन, एक मिनट रुक तो। मुझे कैसे पता चलता कि तेरी शादी अर्चना से होने वाली थी? अच्छा एक बात बता, तू मुझे बता सकता था ना? अर्चन, उसने मेरे रिश्ते को ठुकराया क्योंकि वो तुझसे प्यार करती है। तब तो तुझे पता चल गया था ना सच्चाई क्या है, फिर तूने शादी से मना क्यों नहीं किया? अरे जब मुझे पता ही नहीं था तो मैं कैसे? बस कर, तूने अपनी लाइन क्लियर कर ली। नीच कहीं का। ए सुन तो। अरे जगन, सुंदर आना। जा कर रहा है? ऐसे बोल यहां से चला जाए, मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी। देख जगन, मैं सच कह रहा हूं, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। साले तूने जो भी किया ना सब जानबूझ के किया। जा यहां से, मेरे माथे पे सी नहीं लिखा हुआ है। चल जा। ए, वो तुझसे इतनी दूर बात करने आया और तू भाव खा रहा है? ए सुन, तुझे गलत फहमी हो गई है। ए जगन, रुकना। ए, ये लोग कौन है? आगे बढ़ाया तो घुसा दूंगा तेरे में। साले तूने उस दो टक्के की लड़की के लिए मेरे नट्टू की जान ले ली और ये सब कुछ बुलाकर उसे शादी करने चला है। तुझे क्या लगता है मैं भूल जाऊंगा? मेरी अर्चना को मुझसे छीनेगा, उससे शादी करेगा? हाँ चलो साले के हाथ पैर बांध दो, देखते जाओ मैं तेरा क्या हाल करता हूं। मरने की भीख मांगेगा पर तेरी जान निकलने नहीं दूंगा, जल्दी जाओ। Yeah.
तुझे क्या लगता है मैं अर्चना को इतनी आसानी से भूल जाऊंगा और तू उससे शादी मनाएगा? मैंने तुझसे मदद मांगी और तूने अपना चक्कर चला लिया। दफना दो इसे। कमीने, तू
मुझे यहाँ बुलाकर मारना चाहता था, है ना? मैं ही पागल था जो तुझ जैसे धोखेबाज दोस्त को मनाने के लिए यहां तक चला है। तुझे किसी के साथ जबरदस्ती शादी करना ठीक लगता है और मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा हूं तो यह गलत है। मैं जानता हूं कि उस दिन मुझे मारने के लिए उन आदमियों को तूने ही भेजा था। जब तू हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आया था, मुझे तुझ पर उसी दिन शक हो गया था। लगा था कि तू खुश होगा कि मैं नट्टू के परिवार की मदद कर रहा हूं। अगर मुझसे बदला लेना था तो मुझे सामने से ही मार दिया होता। तेरे बगल में जो लेटा हुआ है ना, उससे पूछ कि नट्टू को किसने धक्का दिया था। और तू तो मेरा जिगरी दोस्त है ना, पीठ में छुरा घोपता है साले आस्तीन के सांप। जो सच्चाई के राह पर चलता है उसे अच्छी तरह पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। असली कातिल तो तू है कुत्ते। कुछ याद आया? उस दिन तेरा इल्जाम मैंने अपने सर पर ले लिया था और तेरी वजह से मैं जेल तक चला गया। था कि दोस्ती का रिश्ता सबसे ऊपर है, लेकिन अगर दोस्त तुम जैसे हो तो फिर दूसरों का क्या भरोसा? तुम जैसे दोस्तों से तो अच्छा है इंसान जिंदगी में अकेला ही रहे। घिन आती है। बात है सुंदर राजा, पहले तो हीरो बने फिर नेता बने, अब हीरोइन भी मिल गई। अबे विलन की कमी है, सबको मार दिया, अब तेरी बारी है, मारे क्या? जब भी मुंह खोलता है बकवास ही करता है। सुंदर हाँ? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, पूछो तो बताएगा क्या? मुझे पता है उस दिन वहाँ क्या हुआ था, सब कुछ जानता हूँ मैं। तू चाहता तो उन्हें जान से मार सकता था, लेकिन उन सबको ऐसे ही छोड़ दिया। ए सुंदर रुकना, बताना ये सब तूने पुलिस को क्यों नहीं बताया? चल पुलिस की बात छोड़, पंचायत को बताता तो भी उन सबको गांव से निकाल देते। तेरे मुंह से उन सबके खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकला। अगर तुम्हारे दोस्त दुश्मन हो तो ये बात किसी को बताते नहीं, इसी को दोस्ती कहते हैं। कैसी हो देवरानी, घूमने जा रही हो क्या? लगता है दूसरा लॉलीपॉप खरीदने का टाइम आ गया। ए सुंदर, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो लड़कियां छेड़ना बंद कर। क्यों क्यों बंद करूं? मैं पहले भी लड़कियों को छेड़ता था और अब भी छेड़ूंगा। लड़कियों को छेड़ना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई रोक के तो दिखा। अगर फ्लर्टिंग खत्म हो गई हो तो हम चले। चिपकम चिपके इधर नहीं, घर जाके करने का। ओ, 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 ओ।